हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं दिल से। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि अगर आपके पास मैच स्टिक है लेकिन मैच बुक्स नहीं है, मतलब कि माचिस की तीली है लेकिन माचिस की तीली को जलाने के लिए मैच बुक्स नहीं है, तो फिर भी आपको मैच स्टिक को बर्न करना है तो कैसे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे पॉसिबल है मैच स्टिक को बर्न करना, वो भी बिना मैच बुक्स के। तो इसके लिए मुझे रिक्वायरमेंट रहने वाली है फ्रेंड्स एक केमिकल की, जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड को हम H2SO4 भी बोलते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैंने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ किया है, तो चलिए रिएक्शन को देखते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ मैच स्टिक्स को, और इनको हम सेफ्टी मैचेस भी बोलते हैं और माचिस की तीली हिंदी में बोलते हैं। तो ये रही मैच स्टिक्स। सेकेंडली मुझे रिक्वायरमेंट रहने वाली है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की। ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की छोटी सी बोतल है, और ये कुछ मैचेस मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथ के साथ मैं आपको बताता चलूँ, मुझे चाहिए ड्रॉपर। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड काफ़ी डेंजरस होता है, और कुछ ड्रॉपलेट जो है इस ड्रॉपर में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मैंने यहाँ ले ली हैं, और इसको मैच स्टिक के ऊपर हम पुट करके देखते हैं क्या होता है। ये देखिएगा 1, 2, 3, ये देखिएगा, ये बहुत फ्रिक्वेंटली बहुत जल्दी रिएक्शन होता है, विग्रस रिएक्शन होता है, ये भी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड ही कम्प्लीट हो जाता है। और ये देखिएगा, बहुत पूरी तरह से ये मैस्टिक जो है, इसका जो केमिकल है ये जल चुका है। और यहाँ साथ के साथ मैं आपको बताता चलूँ फ्रेंड्स, मैस्टिक के अंदर पोटाशियम क्लोरेट होता है, सल्फर भी होता है, स्टार्च और ग्लू भी कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है। तो मैस्टिक के अंदर हमारे पास 4 केमिकल होते हैं, पोटाशियम क्लोरेट, सल्फर, स्टार्च एंड ग्लू। और जनरली जो मैच बुक्स में जब हम इस मैस्टिक के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, तो ये भी बताता चलूँ मैं, मैच बुक्स में क्या होता है फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए, फास्फोरस होता है और पाउडर ग्लास और ग्लू होता है। और इसी बीच में आपने एक रिएक्शन इसी की ओर देखी होगी सेकंड मैच स्टिक के साथ, बहुत जल्दी एक और करके मैं बताने वाला हूँ यहाँ। आप ध्यान से देखते रहें और इन्जॉय करें कि ऐसा भी पॉसिबल है। अभी लाइट को ऑफ किया है सो दैट एक प्रॉपर वे में हम इस रिएक्शन को देख पाएँ, अंधेरे में भी कोशिश कर रहा हूँ मैं फ्रेंड्स। और यहाँ साथ के साथ मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ कि सेफ्टी मैचेस के अंदर फ्रेंड्स एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका नाम है पोटाशियम क्लोरेट। और पोटाशियम क्लोरेट जब सल्फ्यूरिक एसिड के कांटेक्ट में आता है फ्रेंड्स, तो क्लोरिक एसिड बनाता है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, कौन सा एसिड बनाता है? क्लोरिक एसिड। और क्लोरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है और बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको बताता चलूँ कि जब ये क्लोरिक एसिड अदर केमिकल्स जो कि मैच बॉक्स में इसमें स्टिक होते हैं उनके साथ कांटेक्ट में आता है, उन सबको ये बर्न कर देता है, और जिससे कि फायर जो है स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ आप देख सकते हैं एंड में, ये देखिएगा मैच स्टिक्स। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 4-5 मैच स्टिक्स कलेक्ट की हैं, और उसके बाद यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के कांटेक्ट में इन मैच स्टिक्स को हम ला करके देखते हैं क्या होता है। 1, 2, 3, वाओ, अमेजिंग रिएक्शन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये बिल्कुल वैसे ही जल रही हैं जैसे कि मैच स्टिक जो होती है जब मैच बॉक्स में लगे हुए फास्फोरस के साथ, रेड फास्फोरस के साथ कॉन्टैक्ट में आने के बाद जलती हैं, बिल्कुल वैसा ही कुछ यहाँ रिएक्शन देखने को मिला है। और पूरी तरह से ये मैच स्टिक्स बर्न हो जाती हैं। फ्रेंड्स, इस रिएक्शन को मैं दिखाने वाला हूँ अब टेस्ट ट्यूब में, जो कि काफ़ी एक इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। और इसकी साउंड को भी आप ऑब्जर्व करें कि जब ये मैच स्टिक और सल्फ्यूरिक एसिड को हम ऐड करते हैं तो किस तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है फ्लेम के साथ साथ।
तो मैं अभी ड्रॉपलेट की हेल्प से ये सल्फ्यूरिक एसिड इस टेस्ट ट्यूब में ऐड कर रहा हूँ। ये कुछ ड्रॉपलेट डालती हैं इसमें और अभी मैच स्टिक को हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं। सेफ्टी मैचेस इसको बोलते हैं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये मैच स्टिक और सल्फ्यूरिक एसिड के बीच में रिएक्शन, काफ़ी इंटरेस्टिंग। ध्यान से देखना प्लीज़। और इसका कलर भी चेंज होता है जब सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर ये डाल दिया है। आप देखें ध्यान से एट द बॉटम एंड पे क्या हो रहा है, कलर जो है किस तरह से चेंज हो रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड का कलरलेस सॉल्यूशन होता है। और ये देखिएगा काफ़ी विग्रस टाइप रिएक्शन है ये भी, और कुछ फ्यूम्स भी यहाँ निकल रहे हैं, आवाज़ आ रही है, साउंड आ रही है। ये ध्यान से देखें, और इसका जो बॉटम एंड पे कलर है वो एकदम से चेंज हो चुका है। यहाँ पोटाशियम क्लोरेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एट द एंड क्या बनाता है, क्लोरिक एसिड बनाता है, जो कि काफ़ी अनस्टेबल होता है। ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं ये सब। फ्रेंड्स एट द एंड मैं एक बार फिर से इस रिएक्शन को यहाँ रिपीट करते हुए आपको दिखाने वाला हूँ, सो दैट फ्रेंड्स आप इस रिएक्शन की हर एक एक्टिविटी को, हर एक अपीयरेंस को ध्यान से ऑब्जर्व कर पाएँ। और यहाँ एक छोटी सी आपको रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि अगर आप इस रिएक्शन को परफॉर्म करना चाहते हैं तो प्लीज़ प्रिकॉशंस का बिल्कुल ध्यान रखें करने से पहले, बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड काफ़ी डेंजरस होता है। वैसे भी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो बहुत ख़तरनाक होता है, तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी जब इस तरह की रिएक्शन आप परफॉर्म करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपने इस केमिकल रिएक्शन को एंजॉय किया होगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप वॉचिंग, स्टे विद अस, बाय बाय, टेक केयर।